Hey guys, assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are guys doing well. तो आज की वीडियो होने वाली कुछ डिफरेंट. आज मैं कोई मेकअप लुक या तो फिर किसी चीज का रिव्यू नहीं दूंगी. आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा पूछते थे कि अपनी हेयर केयर रूटीन शेयर करें या तो फिर जो भी आप बालों में अप्लाई करती हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें. तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने बालों में क्या अप्लाई करती हूं. तो फर्स्टली मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने 2 साल पहले अपने बाल शोल्डर तक कट करवाए थे. जब मेरे बाल क्योंकि थोड़े बहुत वेवी हैं तो इस वजह से कर्ली होकर और ज्यादा लाइक कितने हो गए थे मेरे बाल. उसके अलावा मेरे बाल कट करवाने का रीजन ये था कि मैंने अपने हेयर पर बहुत ज्यादा केमिकल यूज किए थे. लाइक पहले मैंने गोल्डन बाल करवाए थे, देन रेड करवाए थे, उसके बाद मैं 2-3 दफा और स्ट्रीकिंग करवाई थी, इसलिए मैंने अपने सारे बाल कट करवा दिए थे. उसके बाद मैं एक मास्क यूज करती रही जिससे मेरे बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा जल्दी हुई एंड मेरे बाल थिकर होते गए. उसके अलावा मेरे बाल पहले बहुत ज्यादा लाइक झाड़ू की तरह थे. मैं अपने बालों में लिटरली ऑयलिंग भी नहीं करती थी पहले, बट अब मेरे बाल अच्छे होने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मास्क जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर अपनी पिक्चर दिखाती हूँ. पहले मेरे बाल इतने थे एंड अभी मैं आप लोगों को अपनी हेयर ग्रोथ दिखा देती हूँ. कितने बाल हो गए मैंने अब. ओके तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग ये वाला मास्क कैसे बना सकते हैं इजीली प्लस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि क्या क्या डलेगा इस हेयर मास्क में. इन सारी चीजें बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है एंड आपके बालों को बहुत ज्यादा थिकर बना देगा ये वाला हेयर मास्क. प्लस ये अफोर्डेबल है, इसमें कोई केमिकल भी नहीं जो आपके बालों को नुकसान पहुंचाएगा. ओके तो मास्क बनाना शुरू करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने ली है भिंडी लेडी फिंगर. इसको आप लोगों ने ले लेना है जितनी आप लोगों की जरूरत है. यहाँ पे मैंने 2 लोगों के लिए मास्क तैयार किया था तो इसलिए मैंने क्वांटिटी ज्यादा ली है. देन यहाँ पे मैंने लिया एक प्याज. फिर मैं ले रही हूँ 1 कप पानी. 1 कप पानी में यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी मेथी दाना 2 से 3 चम्मच. मेथी दाना एक येलो कलर के छोटे छोटे सीड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा जबरदस्त होते हैं एंड आपके बालों को बहुत ज्यादा अच्छा कर देते हैं एंड हेयर ग्रोथ भी अच्छी कर देते हैं. प्लस आपके जो जड़ें होती है बालों की उन्हें भी मजबूत कर देते हैं. फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर. कॉर्नफ्लावर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी रफान का. आप लोग कोई भी ले सकते हैं जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो. देन यहाँ पे मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच कोकोनट ऑयल. ओके तो सबसे पहले जो हमारी भिंडी होगी उसे हमने छोटे छोटे पीस में काट लेना है एंड इसकी जो हेड और टेल होगी ना इसे हमने अलग करके फेंक देना है. एंड यहाँ पर मैंने इतने इतने पीसेस में यहाँ पर भिंडी कट कर ली है. देन हमने ले लेना है एक पैन में पानी. आप लोग कोई भी बर्तन ले सकते हैं. इसमें 2 से 3 कप पानी डाल के जो आपने भिंडी आती है वो इसमें ऐड करनी है. फिर जो कोकोनट ऑयल था उसमें यहाँ पे मैं एक ओनियन का जूस यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने कोकोनट ऑयल में. इसे आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख लेना है. एंड जो हमारा मेथी दाने वाला पानी है जो मैंने बोला था 1 से 1.5 घंटे के लिए आप लोगों ने मेथी दाना पानी में रख के एक साइड पर रख देना है. देन आप लोगों ने इसे छान के जो मेथी दाना होगा वेस्ट कर देना है. इसका पानी आप लोगों ने ले लेना है एंड इसके अंदर आप लोगों ने ऐड करना है 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर. इसे अच्छे से आप लोगों ने मिक्स करना है कि पानी में कोई भी बॉल्स ना बने. इसे 1 से 1.5 मिनट तक आप लोगों ने मिक्स करते रहना है अच्छे तरीके से एंड आप लोगों ने मेथी दाने के पानी में ही कॉर्नफ्लावर ऐड करना है. तो अब यहाँ पे जो मैंने भिंडी बॉयल करने के लिए रखी थी वो 5 से 8 मिनट के लिए मैंने बॉयल की है. देन इसके बाद मैंने इसे ग्लिंडर किया है. ग्लिंडर करने के बाद मैंने छान के इसे एक बर्तन में डाल लिया है. मेक श्योर कि आप छान के इसे एक बर्तन में डालें ग्लिंडर करने के बाद. देन यहाँ पे जो कॉर्नफ्लावर और मेथी दाने का पानी था वो इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स किया है. तो अभी आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी जैसे लग रहा है जैसे इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया हुआ, राइट. देन आप लोगों ने सेम पैन लेना है जिसमें आपने पहले भिंडी को बॉयल किया था. इसमें आप लोगों ने ये जो है इसका भिंडी का जो पानी है इसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से बॉयल करना है. देन आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा जेल फॉर्म में तब्दील हो चुका है. आप लोगों ने इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल करना है पानी को सारे को. इसके बाद जो हम लोगों ने अलग से ओनियन जूस और कोकोनट ऑयल रखा था इसे इसमें ऐड कर देना है. एंड मेक श्योर कि आप लोगों की जो भिंडी का जेल है वो अच्छे से ठंडा हो जाए. फिर आपने इसमें ओनियन जूस एंड जो है वो कोकोनट ऑयल वो इसमें ऐड करना है. इसे अच्छे से मिक्स करना है एंड इसे ठंडा होने के लिए रख देना. आप लोगों ने इसे आधे घंटे के लिए ठंडा करना है. देन आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं. ओके जब मास्क रेडी हो जाए आप लोगों ने अपने बालों को 2 साइड में डिवाइड कर लेना है. आप लोग देख सकते हैं मेरी हेयर ग्रोथ कितनी ज्यादा हो गई है एंड जब ये मास्क मैं अप्लाई करके अपना हेयर वॉश करूंगी तो आप मेरे बालों में देखना कितनी ज्यादा शाइनिंग आ जाएगी. ये समझ लें कि आप लोगों घर में हेयर केराटिन प्लस एक हेयर ग्रोथ मास्क रेडी किया. आप लोगों ने अपने हेयर पे यूज करके अपनी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा कर सकते हैं प्लस अपने बालों को लंबा एंड शाइनी भी बना सकते हैं. तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को मास्क दिखा देती हूं. ओके तो मास्क यहाँ पे मैंने एक डिस्पोजेबल इस तरीके जो बाउल आते हैं उसमें डाल लिया है. तो भी आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा ठीक है लिक्विड है एंड इसे जब हमने बालों में अप्लाई करेंगे ना बाल बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे. ओके तो अब मैं अपने हेयर में पार्टीशन करके ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जड़ों में भी और नीचे तक बालों में ना अच्छे तरीके से अप्लाई करूँगी ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में. एंड मैं आप लोगों को तब तक जो मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए हैं ना उसके फ़वाद बता देती हूँ. सबसे पहले जो इसमें भिंडी ऐड करी है ना यार वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है. इसमें जेल काइंड ऑफ होता है कुछ जो कि ना हमारे बालों को बहुत ज़्यादा स्मूद एंड सिल्की बना देता है. सेकेंड थिंग इज़ प्याज. प्याज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है
हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, हमारी जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है एंड हेयर ग्रोथ ना और ज़्यादा होती है। ठीक है, प्याज तो सबको ही पता है बहुत ज़्यादा अच्छा है बालों के लिए। एंड द थर्ड थिंग इज़ मेथी दाना, वो हमारी जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है एंड वो बालों में अप्लाई करना ना अच्छा होता है। काफ़ी ज़्यादा हेयर ऑयल्स में भी ना मेथी दाना यूज़ होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस मास्क को अप्लाई करते हुए ना अपने हेयर्स में साथ में ब्रश भी करते रहना, भले वो अपनी फिंगर से या तो आप कोई भी कॉम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसे अप्लाई कर लिया अपने बालों में एंड अब मैं अपने बालों में, आप लोगों ने ऐसा करना है कि एक भी टेंगल है ना वो नहीं होना चाहिए आपके बालों में अप्लाई करने के बाद। देन आप लोगों ने अपने हेयर को या तो खुला छोड़ दें आप, या आप किसी पोनी से या तो आप किसी भी चीज़ से टाइप कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने थिक करके ना अपने बालों में ये हेयर मास्क अप्लाई कर लिया एंड सारा अप्लाई करने के बाद फिर से मैंने जो अपने मेरे रूट्स है ना वहाँ पर मैंने फिर से मास्क अप्लाई किया था। अब मैं अपने बालों को अच्छे से टाइप कर रही हूँ। आप लोग किसी भी तरीके से अपने बालों को ट्राई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप लोगों ने ये वाला मास्क अप्लाई करके ना अपने जो बालों में टेंगल बन जाते हैं ना वो एक एक रिमूव करके अपने बालों को ट्राई करना है, क्योंकि जो आपके बाल हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। एंड जब आप लोग अपने बाल वॉश करेंगे ना तो आप लोग खुद फर्क देखेंगे कि आपके बाल कितने स्मूथ हो चुके हैं। अब मैं इस मास्क को अप्लाई करके रखूंगी 2 घंटे के लिए अपने बालों में। अच्छा, तो अभी मुझे मास्क अप्लाई किए 2 घंटे हो गए, 2 घंटे के बाद लाइक बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ, जस्ट जैसे एक था एंड बालों को ना लाइक ज्वाइंट कर दिया आपस में, जैसे जुड़ गए आपस में ना बाल। तो अब मैं अपना हेयर वॉश करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, तो अभी मैंने यहाँ पे शावर ले लिया है एंड मैंने जस्ट शैम्पू से अपने हेयर वॉश किए हैं एंड शाइनिंग आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा। इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि मास्क अप्लाई करने के बाद इसके जो बीज होते हैं ना भिंडी के, वो ना बालों में रह जाते हैं, बट ड्राई होने के बाद ना वो भी निकल जाते हैं। तो अभी मैं अपने जो बाल हैं वो मैं ड्राई कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ हेयर ड्रायर। एंड अभी तक मैंने अपने बालों में जो है ब्रश नहीं फेरा, जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ, ना ही मैंने टॉवल बांधा है अपने बालों में। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, कि फिंगर से कॉम हो रहे हैं। एंड पहले मेरे बाल इस तरीके से होते थे कि लाइक मैं उन्हें ब्रश से भी कॉम कर लूँ ना तो बहुत बड़ी बात होती थी। ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने बाल ड्राई कर लिए हैं एंड मैं आप लोगों को फाइनल दिखाती हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे बाल कितने ज़्यादा शाइनी हो रहे हैं। एंड पहले तो मेरे बाल गीले थे जब मैं हैंड से कॉम्बिंग कर रही थी, तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ड्राई होने के बाद भी कितने स्मूथ बाल हो रहे हैं एंड शाइनिंग भी आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं मेरे बालों पे। ओके, सबसे बड़ी बात की मास्क आप लोगों को केराटीन वाला ना इफेक्ट दे देता है आपके बालों पे। ये आप लोग घर में इजीली बना सकते हैं, इसे आप लोगों ने जस्ट अपने बालों में अप्लाई करना है, जैसे मैंने आप लोगों को अप्लाई करके दिखाया। एंड आप लोग देख सकते हैं कितने शाइनी हो गए बाल। एंड अगर आप लोग इस मास्क को हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करेंगे एंड आप लोग इसे 3 से 4 महीने तक यूज़ करते रहे तो टाइम बाय टाइम आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ती रहेगी। एंड ऐसा नहीं कि आप लोग एक दफ़ा इसे अप्लाई करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल ही सिल्की हो जाएंगे या तो फिर एकदम ही बड़े हो जाएंगे। कोई भी होम रेमेडी मैजिकल नहीं होती, क्योंकि वो केमिकल फ्री होती है। आप लोग ज़्यादा लंबे अरसे तक इसे यूज़ करते रहे देन आप लोग रिजल्ट खुद देखेंगे। एंड मैं जब फिर आप लोगों को अपनी हेयर ग्रोथ दिखा देती हूँ। तो अभी जैसे कि आप मेरे बाल चेक कर सकते हैं, पहले जब मैं अपने बालों को स्ट्रेट करती थी ना तब मेरे बाल इस तरीके के होते थे एंड अभी जैसे मैंने अपने बालों को ड्राई किया एंड आप लोग देख सकते हैं कितने स्मूथ हो रहे हैं। एंड लिटरली अब मुझे अपने बालों को स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं डेली वीडियो शूट करने के लिए अपने बाल स्ट्रेट किया करती थी, उसकी वजह से मेरे जो नीचे के बाल थे लाइक नीचे वाले बाल थे ये बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, वो भी रिपेयर होना शुरू हो चुके हैं। ओके, तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कैसे घर पे इजीली चीपेस्ट रेट में कैसे केराटिन मास्क तैयार कर सकते हैं। इसमें जो मैंने चीज़ें डाली हैं आप लोगों को पता है, ओनियन जूस एंड जो मेथी दाना है ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड आपके जो बाल होते हैं अंदर से वो ग्रो करता है। एंड जो बाकी दूसरी चीज़ें वो आपके जो बाल हैं लेकिन जो आपके लेंथ वाले बाल हैं लंबे वो उन्हें स्मूथ करेगी। एंड जो बाकी दूसरी चीज़ें हैं वो आपके जो बाल हैं रूट्स में वो उनको रिपेयर करेगी एंड आपकी जो ग्रोथ है वो भी बड़ी होगी बालों की। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मेरे बेबी हेयर्स हैं एंड ये वाले जो बाल है मेरे, ये टाइम बाय टाइम जब मैं मास्क अप्लाई कर रही थी ये इतने ज़्यादा बड़े हो गए। आप लोग खुद चेकआउट कर सकते हैं, वरना इन जगहों पे मेरे बाल नहीं थे, जाना शुरू हो गए। ये भी इस मास्क की वजह से। आप लोगों ने मंथली अपने बालों की ट्रिमिंग भी करनी है, लाइक आप लोग अपने मंथली इतने इतने बाल कट कर सकते अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए। सो यस मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी आप ये वाला मास्क जरूर ट्राई करें, आप लोगों के बाल बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे पहले ही ट्राई में। अगर आप लोग इसे टाइम बाय टाइम यूज करते रहे तो आप लोगों की हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो। सो यस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर देना है। अगर आपकी कोई भी फ्रेंड है जिससे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, ग्रोथ नहीं है हेयर की, आप लोग ये वीडियो के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो यस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।